भारत के संविधान में दूसरी कोई भी धारा ऐसी नहीं है जैसे धारा 370। जो बात इसे सबसे अजीब बनाती है वो ये कि ये इकलौती धारा है भारतीय संविधान में जिसके साथ अस्थाई यानी टेम्प्ररी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यानी उसी समय ये सोच थी कि आगे चलकर इस धारा की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर बाकी राजनीतिक दल कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए इस धारा को छूने की? संविधान की एक ऐसी धारा जो जोड़ती नहीं तोड़ती है, एक ही देश में दो अलग अलग कानून बनाती है, जम्मू कश्मीर को एक ऐसा इलाका बनाती है जहां किसी और भारतीय को कोई अधिकार नहीं मिलता। आज के युग में ये कहना, और मैं चाहूंगा कि इस पे इस चुनाव को मुख्य मुद्दा इनको राष्ट्रीय सुरक्षा और इस मुद्दे को बना लें कि ये जो अलायंस इन्होंने किया है जम्मू कश्मीर में, उसका ये कार्यक्रम है कि उस pre-53 स्टेटस ऑटोनॉमी को हम लागू करेंगे। उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस आर फ्राइटनिंग कि चुनाव आयोग नहीं होगा, कि जुरिस्डिक्शन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, परमिट चाहिए होगा जैसे वीजा चाहिए होता है विदेश जाने में। तो दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज एन एजेंडा। If you look at what Congress has said, what others have said for the balkanization of India. बचपना है उनका, दाड़ा मारना है, डराना है, खौफ ज़दा करना है। वोट होने वाले हैं, इन्होंने ये क्या कहते हैं वो जो ये सरहद पार बमबारी का किस्सा किया, क्या बोलते हैं उसको, बालाकोट। बालाकोट भी इसीलिए किया, दुनिया भर में शहादत उसकी इनके खिलाफ आ रही है, कुछ हुआ नहीं। फिर क्यों ये कानून मजबूरी बन गया? कैसे ये अलगाव का सबसे बड़ा हथियार बन गया, एक तोड़ने वाला विचार बन गया? आज हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि क्या है ये धारा 370, क्यों कभी किसी सरकार ने इससे छेड़छाड़ नहीं की, क्यों इसे खत्म करने के नाम पर ही मिलने लगती हैं धमकियां। 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है, तो वो इट बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। दफा 370 जो है इसको हाथ नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगाएंगे इल्हाक का चैप्टर जो है अभी हमने कायदे मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उनका वायदा बिल्कुल देश के खिलाफ है। अब उनकी समझ में नहीं आता है तो जाहिर हम क्या कह सकते हैं। आवाम इसको देखें कि क्या देश हित में है या देश के खिलाफ, क्योंकि इससे कोई नुकसान देश का नहीं हो रहा। भारतवर्ष का कोई नुकसान इस आर्टिकल 370 से न हुआ है न होगा। ये भी समझिए कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा राज्य है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र आते हैं, लेकिन जब भी धारा 370 की बात आती है तो केवल कश्मीर के वासिंदों की राय पूछी जाती है। आज हम आपको उसी राज्य के नागरिकों की वो आवाजें भी सुनाएंगे जो अब तक खामोश रही। 370 कहाँ रहा? जब हटना चाहिए, जब रोहिंग्याज यहाँ आ गए, जब पाकिस्तानी यहाँ आ गए, जब बर्मा के लोग आ गए, जब बांग्लादेश के लोग आ गए, 370 कहाँ है? तो आप क्या चाहते हैं, हटनी चाहिए रहनी चाहिए? 370 क्या है, मतलब ही नहीं इसका। हटना चाहिए? हाँ, मतलब ही नहीं। हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए। क्या है मतलब इसका? हम तो हटना चाहिए था ना, हम वोट इसलिए देते हैं, हमको भारत माता को बचाना है, बस ही हमारा मुद्दा है। दादा को तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, 1.5 लाख के करीब है, इसलिए बहुत असर पड़ेगा। दूसरा पड़ेगा 4000 करोड़ आदमियों से जूझना पड़ेगा। इनकी बातों की बेबसी को समझिए और साथ ही सुनिए एक और चौंकाने वाला सच, वो ये कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर से जब इस धारा को ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, आप चाहते हैं हिंदुस्तान आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आपके इलाके में सड़कों का निर्माण करे, आपको अनाज मुहैया कराए, कश्मीर को भारत के बराबर का दर्जा मिले, लेकिन बदले में भारत सरकार को सीमित अधिकार मिले
और भारतीय जनता को कश्मीर पर कोई अधिकार न मिले। इस धारा के लिए सहमति देना विश्वासघात होगा और भारत के हित के विरुद्ध। मैं भारत का कानून मंत्री ऐसा कभी नहीं करूंगा। जरा सोचिए उस दौर में कितने स्पष्ट शब्दों में बाबा साहेब ने उस भाव को व्यक्त कर दिया था जो आज हर उस हिंदुस्तानी की संवेदना है जो एक राष्ट्र को समर्पित है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को यह जिम्मा दिया और अंबेडकर की जगह गोपालास्वामी अय्यंगर ने इस धारा को ड्राफ्ट किया। हाँ, इतना जरूर किया गया कि इस धारा को संविधान में अस्थायी प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया। आजादी के बाद सरदार पटेल के निर्णय और रणनीति के दम पर 500 से अधिक रजवाड़ों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना लिया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी राज्यारोहण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। ये वही दस्तावेज थे जिस पर बाकी रजवाड़ों ने दस्तखत किए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा और किसी रजवाड़े के साथ ऐसी नरमी नहीं बरती गई। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को समान मूल अधिकार देता है, लेकिन धारा 370 की बदौलत जम्मू कश्मीर को उसका अपना संविधान दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके तहत मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भी जम्मू कश्मीर की जनता को पूर्ण रूप से नहीं मिलते। राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों का जिक्र ही नहीं है। एससी एसटी को किसी भी तरह का फायदा राज्य की सरकारी योजनाओं में नहीं मिलता। महिलाओं से भेदभाव की स्थिति ये है कि उन्हें प्रॉपर्टी में पुरुषों के समान अधिकार ही नहीं मिले हैं। अगर एक महिला किसी गैर कश्मीरी से शादी कर लेती है तो कश्मीर में किसी भी तरह की जायदाद से उसका अधिकार खत्म हो जाता है। इन सभी बातों को सुनकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस धारा के हटने का डर किन लोगों को सताता है और क्यों इसे खत्म करने के नाम पर तलवारें खिंच जाती हैं। एक तरफ से वो जमात है जिसे बीजेपी कहते हैं और वो आरएसएस राष्ट्र सेवक संघ की एक कड़ी है। वो चाहते हैं कि हमारा वतन जो है वो हिंदू वतन बने। ये पूरे आईन को तब्दील करना चाहते हैं। यह खतरा है। आज देखिए, आज जो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो इनका मंशूर है वो निकला है, उसमें एक चीज इनने दाखिल की है पहली दफा कि हम 370 दफा जो है उसको खत्म करेंगे। यानी हमारी जो खास जगह है, जो हमारा आईन में हक है, उसको हटाना चाहते हैं। 4 दिसंबर 1964 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने धारा 370 को सत्ता का सुरंग कहा था और उम्मीद जताई थी कि धीरे धीरे केंद्र की ताकत बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर किसी दूसरे राज्य की तरह ही हो जाएगा जहां भारत का संविधान ही सर्वोपरि होगा। लेकिन उस दौर की कांग्रेस सरकार की सोच आने वाले दिनों में बदल गई। भारतीय संविधान के प्रभाव में आने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर पर दो ही धाराएं लागू होंगी, आर्टिकल 1 जो भारतीय क्षेत्र को परिभाषित करता है और आर्टिकल 370। धारा 370 और धारा 35A को कई बार कोर्ट में चुनौती दी गई। 1969 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति धारा 370 के तहत कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं बशर्ते राज्य की मंजूरी हो। जैसे ही धारा 370 को रद्द करने की बात होती है, एक तरफ शुरू हो जाते हैं जहरीले बयान, दूसरी तरफ शुरू हो जाता है ज्ञान। ये कहा जाता है कि अगर ये धारा रद्द की गई तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं रह जाएगा, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए हम समझाते हैं क्यों। अव्वल तो ये कि भारतीय क्षेत्र को परिभाषित करने वाला आर्टिकल 1 फिर भी लागू रहेगा। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर के संविधान का आर्टिकल 3 जो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बारे में है, वो कहता है कि कश्मीर के अलायंस को लेकर कोई संशय नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई अजीब सी परिस्थिति उस टाइम बन गई थी, कोई परिस्थिति नहीं बनी थी। ये एक षड्यंत्र था उस टाइम जो पंडित नेहरू और उस टाइम शेख अब्दुल्ला जी ने किया था, और उसकी वजह से हम अभी भी भुगत रहे हैं, चाहे वो हमारे नौजवान हो या पीढ़ी है, और ये 70 साल से हो रहा है, मैं इस मानता हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 35 और 370 यहां से जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का संविधान बनने के बाद राज्य के संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। इसके बाद कहा गया कि राज्य के संविधान में किसी भी तरह का संशोधन या केंद्र की शक्तियों का विस्तार संभव नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यानी केंद्र के पास संवैधानिक दायरे में कई विकल्प हैं। भले ही सर्वोच्च अदालत ने इस धारा के संदर्भ में ये कह दिया है कि इतने दिन तक लागू रहने के कारण अब ये अस्थायी नहीं रह गया, पर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में अभी भी बदलाव का विकल्प है। राष्ट्रपति आदेश के द्वारा ही, तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा 35A में परिवर्तन किया जा सकता है, या 35A को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की कंसेंट से। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत भारत से अलग उनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसे वजीर आजम कहा जाता था, पर राज्य के संविधान में 1965 में संशोधन किया गया, यानी उस संविधान का संशोधन जिसे अमेंडमेंट प्रूफ बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधन को वैध माना था, यानी ऐसा एक बार हुआ है तो फिर हो सकता है। साथ ही 1990 के दशक के बाद से केंद्र की अलग अलग सरकारों ने केवल राष्ट्रपति के आदेश से राज्य में राज्यपाल शासन लगाया, राज्य की मंजूरी के फॉर्मूले को बाईपास किया गया। धारा 370 के पक्ष और विरोध में कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन सारे तर्क तब ध्वस्त हो जाते हैं जब हम ये कहें कि कोई भी धारा हिंदुस्तान से बड़ी नहीं हो सकती।